इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय, दीपा जैन, राजीव, सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, आचल, सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार, अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरजगर, गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी, दिल्ली, श्री मुनिंद्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर, श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल, चंदर नगर, सहारनपुर, श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिंपल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी, अहमदाबाद, जय जिनेन्द्र, अठवीह कम मुके अठ गुणढे अणोवमे सिद्धे अठम पुण विणिविठे लिठे कजेय वंदि मोणिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में दो गाथाएं पढ़ाई गई थी और पहली गाथा में ये था कि केवली भगवान आत्मज्ञ हैं, सर्वज्ञ नहीं। दूसरी में था सर्वज्ञ हैं, आत्मज्ञ नहीं। इन दोनों का निष्कर्ष क्या निकला? आत्मज्ञ केवली भगवान अपने को जानते हैं और केवली भगवान सब लोक और अलोक को जानते हैं। दो गाथाएं पिछली ज्ञानशाला में थीं। अब आज पहली गाथा में हम देखेंगे कि इन दोनों का निष्कर्ष कैसे निकाला जाए। आइए। जान दीप सदि सवम बवहारणयेन केवली भगवम केवल नाणी जान दी पसदि नियमेण वाणम। जान दी जानते हैं, पसदि देखते हैं, सबम सबको अर्थात लोक और अलोक को, व्यवहार नयेन व्यवहार नय के द्वारा केवली भगवान, केवली भगवान अर्थात केवली भगवान व्यवहार नय से सबम लोक और अलोक को जानते और देखते हैं। और केवल ज्ञानी जान दी और केवल ज्ञानी जानते हैं, देखते हैं, निमेण निश्चय ने से अपाणम अपने आप को। दो बातें फिर देखें। केवली भगवान व्यवहार ने से सबम समस्त लोकालोक को जानते और देखते हैं और केवली भगवान केवल ज्ञानी निमेण निश्चय ने से अपाणम अपनी आत्मा को जानते और देखते हैं। पहले जो दो बातें बताई थी, किसी ने कहा था आत्मा को जानते हैं लोकालोक को नहीं, आपकी बात में दूषण है। दूसरे ने कहा था लोकालोक को जानते हैं आत्मा को नहीं, आपकी बात में भी दूषण है। आप दोनों की बातें एक नए से हैं, अधूरी हैं। सामंजस्य कैसे बिठाएं? इस तरह जानिए। कैसे जाने? व्यवहार नय से तो केवली भगवान समस्त लोकालोक को जानते देखते हैं, सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यवहार नय से। और नियमेण निश्चय नय से
जो केवल ज्ञानी हैं वो अपनी आत्मा को जानते और देखते हैं। पंडित जी, गाथा में दो विशेषण क्यों दिए हैं, जानते और देखते, एक ही काफी था उसमें तो? दो गुण हैं, ज्ञान और दर्शन। किसी भी वस्तु का ज्ञान हम भी करते हैं, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। अगर देखना नहीं हो तो जानना नहीं हो। केवल ज्ञानी जानना और देखना एक साथ करते हैं, क्योंकि उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होता है, और वे दोनों केवल ज्ञान और केवल दर्शन आत्मा को भी जानते हैं और अन्य द्रव्यों को भी जानते हैं। तो यहाँ दो विशेषण दिए, देखते हैं दर्शन की अपेक्षा, जानते हैं ज्ञान की अपेक्षा। इसलिए केवली भगवान व्यवहार ने से सभी लोकालोक को जानते और देखते हैं, और केवली भगवान निश्चय ने से अपनी आत्मा को जानते और देखते हैं, इसलिए दो विशेषण देना उचित है। पंडित जी, इस गाथा से क्या निष्कर्ष निकला? अपने अपने नए की अपेक्षा से दोनों कथन सत्य हैं। यह बिल्कुल सच है कि व्यवहार ने की अपेक्षा केवली भगवान समस्त लोकालोक को जानते देखते हैं, और यह भी बिल्कुल सत्य है कि निश्चय ने की अपेक्षा केवली भगवान केवल ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को जानते और देखते हैं। दोनों कथन अपनी अपनी जगह सही है, दोनों कथन सही हैं, अंतर इतना है, एक मान्यता रखी जाएगी तो वह मुख्य होगा, दूसरा गौण। अगर आप एक को मानेंगे और दूसरे के लिए ना करेंगे तो आपका कथन एकांत कथन हो जाएगा। यह इन दोनों में अंतर है। दो नयों की चर्चा हो रही है, व्यवहार ने और निश्चय ने। इसमें कौन सा नय सच्चा है, वास्तविक है, कौन सा अवास्तविक है, इसके लिए आचार्य अगली गाथा लिख रहे हैं। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुशोधनो भूदत्थमसिदो खलु सम्मादिट्ठि हवदि जीवो। देखे व्यवहारो व्यवहार ने, अभूदत्थो अभूतार्थ है, अभूतार्थ माने अशुद्ध दशा का प्रतिपादक है, अर्थात विशेषता को बताने वाला है। और सुद्धणवो जो निश्चय न है वो भूदत्थो अर्थात वास्तविक है, अर्थात शुद्ध दशा का प्रतिपादक है। देश दो बताया है, कहा गया है, क्या हुआ, व्यवहार ने अभूतार्थ है, अशुद्ध दशा को बताता है, विशेषता को बताने वाला है, और शुद्ध ने सामान्य को बताता है, भूतार्थ, भूतार्थ माने सामान्य को बताता है, शुद्ध दशा का प्रतिपादक है, ऐसा कहा गया है। भूदत्थ मत्स्यदो खलु, निश्चय से जो भूतार्थ के आश्रित हैं अर्थात वस्तु की शुद्ध दशा के आश्रित हैं, वे जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। व्यवहार ने अशुद्ध दशा का बताने वाला, निश्चय ने शुद्ध दशा को बताने वाला। अब सम्यक दृष्टि कैसा होगा, जो शुद्ध दशा का आश्रय लेने वाला होगा, वह इस गाथा में बता रहे हैं। फिर देखिए, व्यवहार ने अभूतार्थ है अर्थात अशुद्ध दशा का बताने वाला है, अर्थात विशेष अवस्था को बताता है, और शुद्ध ने ये शुद्ध दशा को बताता है अर्थात सामान्य से बोलता है, ऐसा बताया गया है। जो भूतार्थ माने, जो भूतार्थ माने निश्चय ने के आश्रित हैं, निश्चय ने से वे ही जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। जो व्यवहार ने का आश्रय लेते हैं वो नहीं, जो निश्चय ने का आश्रय लेते हैं वे ही जीव सम्यक दृष्टि होते हैं।
पंडित जी, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय का क्या स्वरूप है? निश्चय न्याय वस्तु की शुद्ध दशा को बताने वाला है, व्यवहार न्याय अशुद्ध दशा को बताने वाला है। दोनों ने सच्चे हैं और दोनों दशाएं भी सच्ची हैं। उदाहरण से समझते हैं। निश्चय ने से मैं शुद्ध जीव द्रव्य ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, कहते हैं ना, मम स्वरूप है सिद्ध समान। निश्चय ने की दृष्टि से मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। ठीक। अब व्यवहार ने क्या कहता है? किंतु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। व्यवहार ने वर्तमान अशुद्ध दशा को बताने वाला है। द्रव्य की शुद्ध दशा का कथन निश्चय ने से होता है और द्रव्य की अशुद्ध दशा का कथन व्यवहार ने से होता है। नए क्या है? वस्तु के कथन की पद्धति है, वक्ता का अभिप्राय है। नए माने वक्ता का अभिप्राय। वक्ता शुद्ध दशा को बता रहा है निश्चय ने की अपेक्षा, अशुद्ध दशा को बता रहा है व्यवहार ने की अपेक्षा। सच है कि नहीं? अगर मैं ये कहूँ मैं वर्तमान में अशुद्ध रूप हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँ मैं स्वभाव की अपेक्षा सिद्धों जैसा शुद्ध हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आपका कथन अपेक्षा सहित है तब तो ठीक है, अपेक्षा रहित है तो गलत है। जैसे हमने एक प्रवचन पढ़ा, उसमें लिखा था मेरी आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है, बिल्कुल गलत। त्रिकाल शुद्ध नहीं है, वर्तमान में अशुद्ध है पर स्वभाव से शुद्ध है। अच्छी तरह विचार करें, अगर आज भी शुद्ध है फिर सारा काम व्रत तप नियम संयम स्वाध्याय क्यों, खाना पीना क्यों, सवाल ही नहीं उठता। आज तो अशुद्ध है, इसलिए दोनों नयों का जानना जरूरी है और दोनों ने सच्चे हैं। सच्चे झूठे का विकल्प मत करिए इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं, भूतार्थ माने सच्चा, अभूतार्थ माने झूठा, उनका ऐसा अर्थ करना बिल्कुल उचित नहीं। अभूतार्थ माने जो वस्तु की शुद्ध दशा को बताए, भूतार्थ माने शुद्ध दशा को बताए, तो अभूतार्थ माने जो वस्तु की अशुद्ध दशा को बताए। दोनों ने बिल्कुल सही है, इसमें आपत्ति क्या है? मैं मनुष्य हूँ ये भी ठीक है, मैं आत्मा हूँ ये भी ठीक है, प्रतिपादन इस प्रकार होना चाहिए। पंडित जी, दोनों नयों को जानने वाले आत्मा को किस प्रकार जानते हैं? निश्चय नय को जानने वाले अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध मानते हैं, वे गलत हैं। व्यवहार ने से अपनी आत्मा को जानने वाले आत्मा की अशुद्ध दशा को ही आत्मा का स्वरूप मानते हैं, वे भी गलत हैं। तो सही कौन है जो ये मानते हैं मेरी आत्मा स्वभाव से तो निश्चय ने से तो सिद्धों जैसी है पर वर्तमान में अशुद्ध है, राग द्वेष से मलिन है? जो ऐसा मानते हैं उनका मानना बिल्कुल ठीक है। एक निश्चय ने को माने, व्यवहार ने को गौण करें। व्यवहार ने की बात करें, निश्चय ने को गौण करें। अगर निश्चय ने का निषेध करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आत्मज्ञ और सर्वज्ञ के बारे में ये चर्चा थी ना, वे लोकालोक को जानते हैं आत्मा को नहीं, गलत हो गया। वे आत्मा को जानते हैं लोकालोक को नहीं, ये गलत हो गया। मैं पूछता हूँ, हमारी आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आप खुद विचारना, आपकी आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक? बोलेंगे हमारी आत्मा अमूर्तिक है, बिल्कुल गलत आपका उत्तर है। आपकी आत्मा वर्तमान दशा में अशुद्ध है। आप ये कहिए
मेरी आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है पर स्वभाव से शुद्ध है, ये मंजूर है। लेकिन वर्तमान में आप शुद्ध हैं ये बिल्कुल मंजूर नहीं, ये आपका कथन बिल्कुल गलत है। कथन आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, मेरी आत्मा स्वभाव से सिद्ध है, सिद्धों जैसी है, शुद्ध है, लेकिन वर्तमान में कर्म बल से मलिन है, अशुद्ध है, अतः मैं अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ निरंतर करता रहता हूँ, लगा रहता हूँ कि कैसे मेरी आत्मा जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाए। ये कथन बिल्कुल ठीक है, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी दृष्टि से सही है। और वस्तु का स्वरूप न निश्चय नयात्मक है न व्यवहार नयात्मक, दोनों मयात्मक है। इसलिए कहते हैं निश्चय ने द्रव्य अपेक्षा वर्णन करता है, सच है। व्यवहार ने पर्याय अपेक्षा वर्णन करता है, वो भी सच है। निश्चय ने सामान्य को वर्णन करता है, वो भी ठीक है। व्यवहार ने विशेष को वर्णन करता है, वो भी ठीक है। व्यवहार ने का जानने वाला एक किसी कुएं में से, नदी में से गंदा पानी ले आया है, गंदे पानी को पीता है। और निश्चय ने का जानने वाला शुद्ध पानी को पीता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान दशा की चर्चा भी तो करो, वर्तमान अवस्था में यह पानी मैला है, अगर इसमें निर्मली डाल दी जाए सारा मैल नीचे बैठ जाएगा और यह आत्मा शुद्ध हो जाएगी, पानी शुद्ध हो जाएगा। दोनों नयों की बात करते हैं तब काम बनता है। पंडित जी, इस गाथा के दूसरे चरण में दू शब्द क्यों आया है? ये समय सार जी की गाथा है और इस गाथा की टीका में आचार्य जयसेन महाराज लिखते हैं कि दू शब्द से इसको दूसरी अपेक्षा से भी विचारो। क्या मतलब? व्यवहार ने भूदत्थो अभूदत्थो, भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी है, और शुद्धणो शुद्ध ने भी भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी है। ऐसा कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। अगर आप शुद्ध ने को, अगर आप शुद्ध ने को, जो शुद्ध ने की चर्चा है ना, उसको अगर आप व्यवहार ने की अपेक्षा, जो अशुद्ध दशा की अपेक्षा बात करेंगे, गलत हो जाएगा। निश्चय ने से मैं मनुष्य हूँ, गलत। व्यवहार ने से मैं सिद्धों जैसा हूँ, ये भी गलत। ऐसे नहीं बनेगी बात। इसलिए उन्होंने लिखा, अगर भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से विचार करें, व्यवहार ने की अपेक्षा सत्य है भूतार्थ है, निश्चय ने की अपेक्षा अभूतार्थ। निश्चय ने भी क्या लिखा आचार्य जयसेन महाराज ने, बहुत विचारणीय है। निश्चय ने भी भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, इस पर क्यों नहीं विचारा जाता? इस पर भी तो विचारो, निश्चय ने अभूतार्थ कैसे हो गया? अशुद्ध दशा में रहते हुए भी अगर अपने को शुद्ध मानता है, अभूतार्थ है, गलत है। दोनों दृष्टियों से इसका विचार करना चाहिए। पंडित जी, किसने के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है? पहले व्यवहार ने का आश्रय लिया जाता है, पहले व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र होता है, और व्यवहार में आने के उपरांत फिर वहाँ से निश्चय रूप हो जाते हैं। और वास्तव में सम्यक दृष्टि तो निश्चय रूप होने के बाद ही होता है। सम्यक की पूर्णता कब होगी? जब निश्चय रूप हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगी। जब तक जीव शुभोपयोग में है तब तक उसका दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार रूप है, अर्थात अशुद्ध दशा को प्रतिपादन करने वाला है। और जब आगे बढ़ेंगे तब क्या होगा? अर्थात जब शुद्धोपयोग में आएंगे तब शुद्ध दशा का बताने वाला होने से, निश्चय ने से वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, और उस समय मात्र शुद्ध दशा की चर्चा है, अशुद्ध दशा की नहीं। पर जाने का मार्ग व्यवहार में, व्यवहार से निश्चय में। कुछ लोग कहते हैं पहले निश्चय होता है बाद में व्यवहार, किसी आचार्य ने ऐसा नहीं लिखा। सबसे पहले
चौथा पांचवा छठा सातवां गुण स्थान होगा तो व्यवहार मोक्ष मार्ग ही होगा, उसके बाद निश्चय मोक्ष मार्ग होगा। पहले निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाए बाद में व्यवहार मोक्ष मार्ग हो, किसी आचार्य ने नहीं लिखा, ये कथन बिल्कुल आगम सम्मत नहीं है। पंडित जी, क्या दोनों नए प्रयोजनभूत हैं? व्यवहार ने तात्कालिक प्रयोजनवान है, निश्चय ने ये तो परम सत्य है। तात्कालिक प्रयोजनवान व्यवहार ने है। गाथा नंबर 12 की टीका में पंडित जयचंद जी ने लिखा, जब तक गृहस्थ में है ज्ञान धर्म स्वाध्याय देव पूजा गुरु उपास्थी में लगते हैं तब तक व्यवहार ने प्रयोजनवान है। जब तक व्रतों को धारण नहीं किया, व्रतों को धारण करना रूप व्यवहार ने प्रयोजनवान है। जब मुनि बन जाते हैं और जब एकाग्रता को प्राप्त होते हैं तब निश्चय ने प्रयोजनवान होता है। हमारे तात्कालिक प्रयोजनवान व्यवहार ने है, पर त्रिकाल प्रयोजनवान निश्चय ने है। व्यवहार ने का प्रयोजन भी जब प्रयोजनवान है, व्यवहार ने का कथन जब सत्य है, जब निश्चय ने को गौण करके कहा गया है। अगर निश्चय ने को हटा करके कहा जाए तो वह कथन भी गलत है। कहना कैसे पड़ेगा? कहना वैसे ही पड़ेगा, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आशवश खोया ज्ञान, और आज कैसा हूँ, बना भिखारी निपट अजान। जब इस बात पे चर्चा होती है आत्मा मूर्तिक है या मूर्तिक, वीरसेन स्वामी लिखते हैं, संसारी आत्मा चाहे अरहंत परमेष्ठी की आत्मा हो वह भी मूर्तिक ही है। उन्होंने ही लगाया, क्यों? वर्तमान दशा की अपेक्षा बात हो रही है। आज अरहंत भगवान कैसे हैं? मूर्तिक हैं। इनकी आत्मा मूर्तिक है। मूर्तिक क्यों है? कर्म मल से सहित होने के कारण मूर्तिक है। कितना अच्छा लिखा द्रव्य संग्रह कार ने, वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अठ निच्छया जीवे लोसंती अमुत्ति तदो। व्यवहारा मतलब वर्तमान अवस्था में मुत्ति बंधा दो, वर्तमान अवस्था में तो बंध सहित होने से मूर्तिक है। अपनी धारणा भी ऐसी बनाइए, मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूँ, नहीं ऐसा नहीं बनेगा। मैं तो सिद्धों जैसा हूँ, ऐसा नहीं, मैं सिद्ध बनने की सामर्थ्य रखता हूँ। मैं स्वभाव से सिद्धों जैसा हूँ तब तो बन जाएगा, मैं तो सिद्धों जैसा हूँ कभी नहीं बनेगा। और ऐसा अगर करेंगे तो प्रतिपादन गलत है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद, सविता जैन मेरठ, पंकज, श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक, रिद्धि, सिद्धि, वैभव, आचल, सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार, अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग, गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमान, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी, दिल्ली, श्री मुनिंद्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफ्फरनगर, श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल, चंदर नगर, सहारनपुर, श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिंपल गांधी, सोनल गांधी एवं हितार्थ गांधी, अहमदाबाद,